आज का हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ग्राफ। उसमें हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ में, वो है स्पैनिंग। यहाँ पर हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, और क्रुस्कल्स एंड प्रिंस एल्गोरिदम के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री इज अ ट्री विच हैव वी वर्टिसेस एंड वी माइनस वन एजेस। ऑल नोड्स इन अ स्पैनिंग ट्री आर रीचेबल फ्रॉम ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें कितने वर्टिसेस होंगे? वी वर्टिसेस होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ का जब भी हम कोई स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो उसमें मान लीजिए चार वर्टिसेस है, तो एजेस कितनी होंगी? थ्री, स्पैनिंग ट्री के अंदर। और हम उन फोर वर्टिसेस से एक दूसरे को क्या कर पाएंगे? विजिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जो स्पैनिंग ट्री है या मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसके अंदर साइकिल नहीं बनता, ठीक है? और अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात हो रही है तो हम सभी नोड्स को विजिट करेंगे लेकिन मिनिमम लेजर वेट के साथ। समझ में आई इतनी बात? अब एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम हमारे पास कौन कौन सी होती है? क्रूस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिदम होती है। ग्राफ देखिए, ए बी सी, इसके स्पैनिंग ट्री कौन कौन से हो सकते हैं? ए बी सी से विजिट कर रहे हैं, ए सी बी या फिर ए बी सी। मतलब हर एक स्पैनिंग ट्री में देखिएगा साइकिल नहीं बन रही है, और टोटल तीन वर्टिसेस है और एजेस कितनी है यहाँ पर? टू है। तो क्या समझ में आया हमें कि एक स्पैनिंग ट्री वो होता है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होती और वो डिसकनेक्टेड भी नहीं हो सकता। उसके अलावा एवरी कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। मतलब एक स्पैनिंग ट्री तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। और जो डिसकनेक्टेड ग्राफ होते हैं ना, उनका कोई भी स्पैनिंग ट्री नहीं होता। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है? इतना हमें समझ में आया। अब देखिए, एक स्पैनिंग ट्री डिसकनेक्टेड क्यों नहीं हो सकता, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमें सारे वर्टिसेस को विजिट करना होता है। अब बात करते हैं ए स्पैनिंग ट्री इज ए सबसेट ऑफ ग्राफ। क्या होता है स्पैनिंग ट्री? एक तरह से एक ग्राफ का सबसेट ही होता है जिसमें हम सभी वर्टिसेस को विजिट करते हैं। देखिए, सभी वर्टिसेस को क्या करते हैं? हम विजिट करते हैं लेकिन विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। जैसे इस ग्राफ में अगर मैं ये तीन एक्स्ट्रा एजेस और ऐड कर दूं, और एक नोड हमने ऐड कर दिया डी, और ए टू डी और डी टू सी भी एजेस है। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा एजेस है ना उनको यहाँ पे हमें क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है? इतना हमें समझ में आया। अब बात करते हैं एक कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ में कितने स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। तो मिनिमम वन और मैक्सिमम एन की पावर एन माइनस टू। जैसे अगर थ्री वर्टिसेस है तो एन क्या हो गए यहाँ पे? थ्री, और स्पैनिंग ट्री कितने हो जाएंगे? थ्री। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि भाई एक कनेक्टेड ग्राफ में एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकता है, ठीक है? अभी हमने देखा भी कि एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर स्पैनिंग ट्री में सेम नंबर ऑफ एज और वर्टिसेस होंगे, एक साइकिल नहीं बनेगा, और अगर हम एक एज को रिमूव कर दें तो हमारा स्पैनिंग ट्री क्या बन जाएगा? डिसकनेक्टेड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है ना उसके अंदर कम से कम एजेस होती है, और अगर आपने सभी एजेस क्या होती है? इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हमने एक एज को रिमूव कर दिया तो मतलब हम एक नोड से उस दूसरे नोड को अब विजिट नहीं कर सकते, ठीक है? इतनी बात हमें समझ में आई। तो हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा?
डिसकनेक्टेड, और अगर आप एक एज और ऐड कर दो तो हमारा स्पैनिंग ट्री एक साइकिल क्रिएट कर देगा। इतना हमें समझ में आया, ये कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रुशकल्स एल्गोरिदम की। तो देखिए, क्रुशकल एल्गोरिदम क्या होता है? क्रुशकल एल्गोरिदम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने की एक टेक्निक है, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री वेटेड ग्राफ का फाइंड आउट होता है। इतना हमें समझ में आया, क्योंकि वेटेड ग्राफ में क्या गिवन होता है? वेट, और उसी वेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं? एजेस की शॉर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर ली? हमारी एजेस को शॉर्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हमने क्या कर लिया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी हमारा वेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग एजेस को शॉर्टिंग कर ली। अब हमें सबसे स्मॉलेस्ट एज को पिक करना है। कौन सी एज पिक करेंगे? जिसका वेट सबसे कम होगा। फिर हम ये चेक करेंगे कि वो एज कोई साइकिल तो नहीं बना रही है। अगर वो साइकिल बना रही है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। और ये स्टेप कब तक रिपीट करने हैं? जब तक हमारे पास V-1 एजेस है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, चार वर्टिसेस है और उनके कुछ वेट यहाँ पे गिवन है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इन एजेस को क्या करना है? इनके वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी क्या करनी है? शॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी क्या कर लेंगे? शॉर्टिंग। एक साइड में एज लिख दिया और एक साइड में हमने वेट लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गई उनकी शॉर्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेट है। अब क्या करेंगे? सबसे जो स्मॉलेस्ट वेट जिसका है, उस नोड को हम क्या करेंगे? उस एज को हम क्या करेंगे? पिक करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट किसका है? यहाँ पर देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट वेट है 1, और एज कौन सी एज है यहाँ पर? ये ए सी। तो हमने क्या कर लिया? ए सी एज को पिक कर लिया। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए, इसके बाद स्मॉलेस्ट किसका है? तो इसके बाद है ए बी। तो ए बी हमने एज पिक कर ली। साथ साथ ये भी चेक करना है कि साइकिल ना बने। ठीक है, ए बी के बाद बी ई सिलेक्ट होगी, तो हमने बी ई को सिलेक्ट कर लिया, बी E, और यहाँ पे इसका वेट कितना गिवन है? 3। अब उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा ई डी, जिसका वेट है 4। तो ई डी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है ए ई। तो देखिए, जब ए ई को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है, तो इसीलिए हम इस एज को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एज चेक करते हैं, सी डी। सी डी से भी यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी बी डी, और बी डी को अगर हम यहाँ पे चूज करें तो हमारी फिर अब भी एक साइकिल फॉर्म हो रही है, तो ये एज भी रिजेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारी एज आती है सी ई, और सी ई अगर सिलेक्ट की तब भी हमारे क्या बनता है? एक साइकिल। तो इसका मतलब अब ये जो ट्री हमारा बन गया, ये क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद मिनिमम वेट। अब इसमें वेट कितना आया टोटल? तो देखिए, सभी के वेट को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक ट्री का मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं विद क्रुशकल एल्गो रिदम। इतना हमें समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो क्या होती है? ई लॉग ई, या फिर ई लॉग वी। ठीक है, अब हम करेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम। तो देखिए, प्रिम्स एल्गोरिदम भी एक ग्रीडी एल्गोरिदम का टाइप है। इसके अंदर क्या करते हैं? हम एक सिंगल नोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोई एक नोड को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं,
और फिर उस नोड से जितनी भी उसकी एडजेसेंट नोड्स है उनकी तरफ जाएंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि हमने एक वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स को चूज कर लिया। उसके बाद उसकी जितनी भी कनेक्टिंग एजेस है हम उनको देखेंगे और उसमें जिसका भी मिनिमम वेट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये भी देखना है साथ साथ में कि एक सर्कल वो ना बनाए। ये क्या हो गया हमारा प्रिम्स एल्गो रिदम। ठीक है, क्रूशकल में हम क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले एजेस को शॉर्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रिम्स एल्गोरिदम में पहले हम एक वर्टेक्स को चूज करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बाकी एजेस को ट्रावर्स करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ गिवन है आपके सामने, चार वर्टिसेस है। यहाँ पर भी सबसे पहले हमने क्या किया, एक वर्टेक्स ए को चूज कर लिया। ठीक है, ए चूज हो गया। ए से कौन कौन सी एजेस जा रही है, ए से ए बी और ए सी ये जा रही है और एक ए ई भी जा रही है, लेकिन मिनिमम कौन सी है, यहाँ पे देखिए मिनिमम है ए सी और ए बी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ए ई को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ए ई का वेट इनसे भी ज्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू टू और ए सी इज इक्वल टू वन, और अगर ए ई को भी लिखना चाहे तो ए इज इक्वल टू 5। 215 में मिनिमम कौन है, 215 में मिनिमम है 1, तो 1 को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब सी से कौन कौन सी एजेस जा रही है, तो देखिए सी से सी डी और सी ई दो एजेस जा रही है, तो अब हमने क्या किया, सी डी और सी ई को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया। ठीक है, सी डी और सी ई को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया। यहाँ पे आप ए ई इज इक्वल टू 5 को भी अपने लिस्ट में ऐड करते हुए चलना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप अपना लिखते हुए चलना। ठीक है, अब देखिए 2, 5, 6, 8 में मिनिमम कौन है, 2, 5, 6, 8 में मिनिमम है 2, तो हमने कौन सी एज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ए बी को सिलेक्ट किया। समझ में आया, अब हमने जो सी की एजेस है उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितनी एजेस बच गई, हमारे पास बचा 6, 8 और 5, 3 एजेस बची है हमारे पास, 6, 8 और 5। अब इसमें देखिए कि बी से कौन सी एजेस जा रही है, बी से जा रही है बी ई और बी डी, मतलब 3 और 7, 3 और 7। अब इन सब में सबसे मिनिमम कौन है, सबसे मिनिमम है यहाँ पर 3, तो हमने कौन सी एज सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर हमने एज सिलेक्ट कर ली 3, और जो चूज कर चुके हैं उनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एज सिलेक्ट करी है कौन सी, बी ई। बी ई को अपने ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे, जो भी हमारा स्पैनिंग ट्री बन रहा है उसमें हमने बी ई को एड कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा एज यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब यहाँ से देखिए ई, ई से कौन कौन सी एजेस जा रही है, ई से जा रही है ई डी ई सी और ए ई को हम पहले से ही इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो ये एजेस हमारी जा रही है, इनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। कौन कौन सी हमने राइट डाउन करी, डी ई, एक मिनट रुकिएगा, हाँ इससे हम लिखते हैं कि ई डी वेट कितना है, ई डी का 4, और कौन सी एज है, ई से, ई से ई सी जिसका वेट है 8, और ई सी हमने पहले से भी इंक्लूड की हुई है तो दोबारा लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पर। और अगली एज है ई ए, ई ए का वेट कितना है 5। अब इन सब में से सबसे मिनिमम वेट आपको किसका दिखाई दे रहा है, तो सबसे मिनिमम वेट है यहाँ पर डी ई का, कितना है वेट 4, तो हमने डी ई को सिलेक्ट कर लिया। कितना हो जाएगा हमारा डी ई का वेट 4, और इस एज को हम अपने स्पैनिंग ट्री में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कौन सी एज को, डी ई को, तो डी ई को हमने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जितनी भी एजेस बच गई है ना उनसे देखिएगा, उन सब से यहाँ पे एक साइकिल बनता है। आप कोई भी एज उठा के देख लीजिए, सभी से क्या बनेगा, एक साइकिल बनेगा। सी डी से साइकिल बनता है, उसके अलावा बी डी से भी साइकिल फॉर्म हो रहा है,
सीई से भी साइकिल फोम हो रहा है और ई ए से भी यहाँ पे साइकिल फोम होता है। तो जिन जिन से साइकिल फोम होता है उन सभी एजेस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और फाइनल में ये हमारे सामने क्या आएगा बन के, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर हमने सभी वर्टिसेस को विजिट किया विद मिनिमम नंबर ऑफ वेट। तो आप देख सकते हो हर एजेस को लगाने से क्या बनता है, यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म होता है। और स्पैनिंग ट्री की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर साइकिल नहीं होना चाहिए। इतना हमें समझ में आया। तो अब आप देखिए, अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना है उसका मिनिमम वेट कितना है। तो ऐड कर दीजिए सभी का वेट, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम प्रिम्स एल्गोरिदम से स्पैनिंग ट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी है वी स्क्वायर।